नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आज के मेष राशि फल के बारे में कि आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण राशि फल पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। आपके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चली आ रही थी उनमें थोड़ी कमी आएगी और ससुराल पक्ष को लेकर हुआ वाद विवाद शांत होता नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और मनचाहा ट्रांसफर आपको मिल सकता है। हालांकि पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा और माता जी का सहयोग पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको अपने प्रियतम की बात मानने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वह आपके ही हित में है। आपके छोटे भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। आज का दिन शुभ रहेगा। धन का आगमन होगा। कार्यस्थल पर आपको सहयोग और प्रशंसा मिल सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। युवाओं को जीवन में प्रेम की कमी महसूस होगी। परिवार में साथ बेहतर रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। अचानक किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। आपकी इच्छा शक्ति को आज प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि आप बहुत ही पेचीदा हालातों से निकलने में कामयाब रहेंगे। कोई भी भावुक फैसला लेते वक्त अपनी तार्किकता ना छोड़ें। चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से आज आपको बचना होगा और निवेश करने में भी काफी सावधानी बरतें। मोहब्बत और रोमांस आपको खुश मिजाज बनाए रखेंगे। लंबी परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेंगी। अगर आपके पास हालात से उबरने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपके जीवन साथी का मिजाज आज अच्छा रहेगा। आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है। दिन अच्छा रहेगा। जहां तक हो सके अपने काम और जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हुई होंगी। व्यवहारिकपन से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज आप दूसरों की मदद करने के लिए हर समय पूरी तरह तैयार रहेंगे। अचानक फायदा होने के योग हैं। आज आप किसी से अपने दिल की बात करना चाहते हैं तो कह दें। राजनीति से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। कोई बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। कला संगीत में भी रुचि बढ़ने के योग हैं। प्यार और परिवार की बात करते हैं। अपने लव पार्टनर के साथ समय बिताना आपका हर गम भुला देगा। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। आप एक दूसरे से कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन यह ना भूलें कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अविवाहितों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। नए रिश्तों की आहट होने वाली है। पुराने रिश्तों से हटकर नया रिश्ता बनाने की कोशिश ना करें। वे आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। आप अपने रिश्ते पर भरोसा रखें। परिवार के साथ कहीं बाहर जाएंगे, पारिवारिक सहयोग मिल सकता है और माता पिता का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य से संबंधित पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। मौसम परिवर्तन की वजह से कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। नियमित योग करें, व्यायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें।